हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कल की थी स्कूल की छुट्टी, हम आज रेडी तो हो गए हैं स्कूल के लिए, पर अभी भी बहुत ज़ोर से बारिश है, रात भर बारिश ही है आज और बहुत ज़ोर से हो रही है अभी भी, पर हम जाएंगे, ऐसे जाना तो पड़ेगा, आज छुट्टी नहीं है। ये देखो सब बारिश ने गीला ही गीला कर दिया जहाँ तहाँ कागल। अब इतनी बारिश में कैसे जाएंगे हम? चलिए मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी शायद रेडी हो गए होंगे, चाची के बच्चे जा रहे हैं, मेरा भाई तो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको थोड़ा बुखार आ रहा है, मैंने कहा तो भीग जाएगा रहने दे आज। तो चलिए अभी पहले लंच पैक करना है, मैंने आज खाना भी नहीं बनाया, कल रात भर भी लाइट नहीं थी, अच्छे से सोए भी नहीं। ठीक है चलिए लंच पैक करते हैं, लंच पैक करते हैं। आपका मन कर रहा है स्कूल जाने का? नो है, मैं जा रहा हूँ। हमारे घर के बच्चे वैसे कभी स्कूल जाने के लिए मना नहीं करते, खुश रहते हैं हमेशा स्कूल जाने के लिए, चाहे बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो। आज बनाई है भिंडी की सब्जी, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है तो चलो लेट्स पैक। अभी हम पहले पियेंगे एक गिलास गर्म पानी। ठीक है गर्म पानी की सुबह होती है गर्म पानी से शुरुआत, तो मैंने लंच भी पैक कर दिया है, तो अब सीधे चलते हैं। चलिए स्कूल को चलो, चलिए हमने छाता भी ले ली है तो हम स्कूटी पे। सो मैं पहुंच चुकी हूँ, अब जाके जरा थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, वरना तो बारिश ने दिमाग ही खराब कर दिया। अब जाके थोड़े बच्चे आएंगे, आज पता नहीं कितने बच्चे आते हैं, पर मेरा आना तो जरूरी था, कल की छुट्टी थी परसों। पता है मुझे, ये देखिए थोड़ी बारिश रुकी हुई है अभी, और मैं स्कूटी ना वहीं गेट के बाहर से ही खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेट वेट खोलना पड़ता है, यहाँ पे ताला वाला खोलना पड़ता है, इससे अच्छा मैं सोचती हूँ बाहर ही खड़ी करती हूँ। दोबारा बन रहा है मौसम, आएगी तो सही, अभी उठने वालों में से नहीं है। अभी मैंने स्कूल के बाद बैंक और जाना है, कल काम ही नहीं हुआ पूरा, मेरे को मेरा ए टी एम एक्सपायर गया था ना, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, फिर नया ए टी एम आया था, तो उसके लिए वो पता नहीं फॉर्म वॉर्म क्या क्या भरवा रहे थे, पीने में करवाना था, तो काम नहीं हो पाया, कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो इसलिए मेरे को आज जाना पड़ेगा, हमें कहा था 12 बजे के बाद तो यहाँ से छुट्टी होगी, तो सीधे वहीं को जाऊँगी। को थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, देखो पेड़ कितने सुंदर लगते हैं यहाँ, चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली, और यहाँ पे ये देखिए बाहर से ऐसे। ठीक है यहाँ पे सर ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्यारी जैसी लगा रखी है, फूल भी सूख गए सारे, रोज के फूल है सारे सूख गए, घास भी हो रहा है यहाँ पे, भिंडी भी लगा रखी है और एक दो चीज़ें मिर्च लगा रखी थी यहाँ पे, यहाँ पे किसी का खेत है स्कूल के बगल में, आशिकों में ऐसे बच्चे आ रहे हैं भैया। गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधा कहाँ है? गुड मॉर्निंग। अभी देखिए बारिश और आएगी, कहते हैं ना बादल पानी लेने जा रहे हैं। मैं अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ, ये देखो कैसी लगी। और ये वो है, हाँ क्या बोलते हैं, चंदा चंदा मामा, इसका थोड़ा शेप बिगड़ गया था। और यहाँ पे हमने कुछ ड्राइंग बनाई थी बच्चों ने, मतलब बच्चों के साथ क्राफ्ट, बटरफ्लाई। फिर मैंगो, क्या हुआ, क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो आप लोग इतनी। आज का सुविचार है, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हासिल का हास नहीं कर सकते हो क्या? इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम से लिखा हुआ सुविचार है, अब हम इसमें कुछ नया सुविचार लिखेंगे। ठीक है, लो पकड़ो। साफ कर दिया मैंने, पहले मैं इसमें लिख लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है। हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने का। ये है लंच टाइम, पर मैं लंच घर पे ही भूल गई हूँ, तो मैं इसीलिए घर से लंच लेने आई हूँ। ठीक है, लंच रख दिया पैक करके, कहाँ है चाची? चाची लंच रख दिया कहाँ है? मैं पहुंच गई टिफिन लेके, मैं तो भरी खाई थी और उनके लिए लेके आई हूँ, भाइयों के लिए, तो वो खा रहे हैं अभी। जल्दी जल्दी मैं ना बारिश के चक्कर से मैं टिफिन ही घर भूल आई यार, मेरे को दोबारा जाना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको मिलेंगे। अभी हमारा लंच हो रहा है, अभी लंच बंद होने में टाइम है, तो आपको मिलेंगे अभी सीधे घर पे। ठीक है, घर पे मिलते हैं। बैंक तो होगा नहीं आज जाना, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। खाली मैं भी जाऊंगी, अच्छा मैं घर जाऊंगी। ये देखो लाइट भी चले गई, ये लाइट की तो हमेशा की दिक्कत है। अब अगर चले, देखिए ये स्कूल नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए थे आप स्कूल? फोन में मार दूं, बताओ स्कूल क्यों नहीं गए थे? मेरी मर्जी, खली का बुखार आ रहा है इनको, कोई नहीं आ रहा इनको बुखार उखार। हमारी ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी है, घर क्यों नहीं जा रहे हो? अभी कोई नहीं आया लेने, इनको ना लेने आते हैं तब, इसलिए। और बच्चों की तो छुट्टी हो गई है, अब ये भी जाएंगे थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मैंने करना है सब्जी काटूंगी, सब्जी काटने के बाद फिर रोटी बनाने का, और तो क्या ही काम है हमारा। ये है पीछे भूत, देखिए ऐसी भूत, खाली ये स्टाइल ही मार रहती है और कुछ काम नहीं है इसका, स्टाइल मारने के अलावा। ये देखो दो मिनट अगर इनको ना देखो तो फिर लड़ाई करने लग जाएंगे। बच्चों का तो और कुछ काम होता नहीं है और इनका तो कुछ काम वैसे भी नहीं है। चलो फिर मैं सब्जी काटती हूँ, देर हो जाएगी क्योंकि 6:30 हो गए। कितने बजे उठे हो आप सो के? आपकी शक्ल तो ऐसी लग रही जैसे आप अभी उठे हो सो के, ऐसा क्यों? नींद आ रही है तो आप सोए क्यों नहीं दिन में?
पैसे दे, ये व्लॉग से कमा तो रही है। ला तू 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 ले ले आला व्लॉग, तू चला ले, चल तू चला ले प्लीज। अभी मैं ग्लो अप करूंगी ना 5-6 दिन में, तब क्या करूंगी ग्लो अप? क्या करूँ पहले पहले दोबारा बोल, क्या करूंगी ग्लो अप? ग्लो अप क्या? अरे ट्रांजेक्शन नहीं होता वो 5-6 साल में। ऐसी रहती है, अगर इसको मस्का लगाना होता है ना कोई चीज का तो ये इतनी ऐसा समझती है कि मैं कितनी प्यारी लग रही होंगी और ये मेरे को देख के पिघल जाएगी। पैसे दे ला, पैसे पैसे दे। वहाँ वहाँ दुकानदार के पास जाके भी ऐसी बोलना, भैया प्लीज ना, क्या पता वो दे दे, है ना। चलिए गाइस, अब हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो आपसे मिलेंगे कल नए व्लॉग में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो, वही रोज का पता है आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय। अब ये गोबर फेंकने जा रही है ना, तो इसलिए ज़्यादा मुंह चला रही है, क्योंकि ये चाहती है क्योंकि ये चाहती है मैं बताऊँ सबको। बाय बाय, कल मिलते हैं।